8-9 घंटे नौकरी करते थे, वापस आके बैठता था, फिर गाने बनाता था। 3-4 साल 5 साल लगे, सीख गए। पहली जो जॉब थी 7,500 रुपये महीने से वो स्टार्ट हुई, नहीं पहली इनफैक्ट 3,500 रुपये महीने से थी। और उस सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई संजय दत्त से, वाह और जी, और उनसे हाय, मेरा नाम है विक्रम और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो सिटी पे प्रभात के साथ। FM बोले तो रेडियो थ्री पर मैं हूँ प्रभात आपके साथ, और ये है बी बोल्ड विद प्रभात का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। काफी बोल्ड इंडियन म्यूजिक कंपोजर विक्रम हमारे साथ हैं। क्या हाल है विक्रम, और कैसा चल रहा है म्यूजिक? बहुत बढ़िया चल रहा है। ऑलराइट, सो मैं वैसे तो आपने काफी सारी फिल्में और काफी सारा म्यूजिक किया है, चाहे बाबा बोलता है, कमांडो 3 की बात कर लें, और कर हर मैदान फतेह, मतलब ये ट्रैक तो हर जिम वाला इंसान अपने साथ लेके चलता है, और जब बीवी से लड़ाई हो जाती है तब भी इंसान यही यही गाना सुनता है। तो ये म्यूजिक की जर्नी जानना चाहूंगा, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से मन बना कि चलो ये करते हैं म्यूजिक, फैमिली क्या चाहती थी और आप क्या चाहते थे इनिशियल डेज में? जी, बहुत पहले से ही क्लियर था व्हाट आई वांटेड टू डू। तो बचपन में पापा ने गिफ्ट किया था, एक ओल्ड इज गोल्ड करके एक सीरीज आई थी, HMV ने स्टार्ट किया था, उसमें कैसेट्स मिलते थे। तो उन्होंने पूरा मुझे कार्टन दिया था गाने सुनने के लिए, और बस एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था। उस टाइम पे BPL करके कंपनी हुआ करती थी, अच्छा, आज भी है कि नहीं पता नहीं, बट उस टाइम पे बीपीएल था। है, बीपीएल है, बीपीएल है। हाँ, तो उनका एक वो टेप रिकॉर्डर था, उसमें लता जी, आशा जी, हेमंत दा, रफी साहब, किशोर दा, इनके गाने सुनता था। और एक एक गाने बनाने का जो प्रोसेस था वो बड़ा फैसिनेट मुझे करता था। जब 8वीं 9वीं कक्षा में पहुंचे तो वहां पे फिर अंग्रेजी म्यूजिक का एक इन्फ्लुएंस बढ़ा, निर्वाणा को सुनना चालू किया, यू नो, पिंक वाह, फ्लॉयड, लेड जेपलिन, एंड यू नो, ACDC एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यू नो, वहां से पूरा एक स्टार्ट होते हो। फिर 12वीं अपनी कंप्लीट करके, अब तो मैं प्रयागराज से हूँ, तो पहले उसका नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद। वहां से फिर, हाँ, उसके बाद फिर बम्बई आए, और मुंबई आके फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पे लोगों के पास आना जाना चालू हुआ कि भाई कोई मेरा गाना बना दे, बट यू नो, everyone used to be busy, और जो बिजी नहीं थे तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। तो फिर मैंने कहा यार, मुंबई में सर्वाइव तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जॉब करी कॉल सेंटर में, मैंने पकड़ा एक कॉल सेंटर से, फिर वहां जॉब करी, वहां पे एक से दूसरे कॉल सेंटर में। तो पहली जो जॉब थी 7,500 रुपये महीने से वो स्टार्ट हुई, नहीं पहली इनफैक्ट 3,500 रुपये महीने से थी। फिर 7,500 करते करते JP Morgan में के कॉल सेंटर में आई स्टार्टेड वर्किंग। तो वहां पे 6 महीने काम किया, फिर एक मिला पर्सनल लोन, और उस पर्सनल लोन से मैंने लिया एक छोटा सा सेटअप, वाह, और फिर मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना स्टार्ट किया कि मैं यार अपने गाने खुद म्यूजिक बनाऊंगा, डेमो बनाऊंगा, पिच करूंगा। तो ये प्रोसेस, फिर 8-9 घंटे नौकरी करते थे, वापस आके बैठता था, फिर गाने बनाता था। तो 3-4 साल 5 साल लगे, सीख गए क्या सीख बात गया तो दैट वाज द है। बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, कि मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा, फिर साउंड इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें वो फिर सीखता ही गया चीजें। और हम तो यू नो, वी आर वन ऑफ दोज लकी जनरेशंस जो जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर कोई भी कुछ सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। बहुत बहुत अच्छी, कहाँ 3,500 से शुरू करके एक पर्सनल लोन तक आप पहुंचे। बड़ी हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि जब इंसान जॉब में फंस जाता है तो पैशन ऐशन थोड़ा भूल जाता है, लोग सोचते हैं ठीक है यार जॉब कर रहे हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अब बात करना चाहूंगा साल 2008 में संजू मूवी और दो ऐसे गाने जो बहुत क्विकली बहुत दिमाग पे छाए रहने वाले, एक कर हर मैदान फतेह जो संजू मूवी की जान है, और दूसरा ट्रैक बाबा बोलता है जो कि एकदम एंड में आता है बढ़िया से, मतलब बहुत अच्छा गाना है, वो रैप ऐप है, उसमें संजय जी दत्त हैं, रणवीर कपूर नजर आते हैं। इस गाने की स्टोरी जानना चाहूंगा कि मिला कैसे, मतलब क्योंकि आप तो मेहनत काफी टाइम से कर रहे थे, पर ये हिट कहाँ से मिला, ये जी ब्रेक कहाँ से मिला संजू मूवी एक बार में इतना बड़ा? जी एक्चुअली हुआ ये कि 2012 के एंड में
मैं हाँ एक हाँ मूवी पे वर्क कर रहा था एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर और एज अ रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, आई वाज वर्किंग ऑन इट। और उस सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई संजय दत्त से, वाह और जी, और वाह उनसे उनसे बातें हुई म्यूजिक को लेके, और वो मेरे कुछ मेरे म्यूजिक को सुनना चाहते थे, तो उन्होंने वाह सुना एंड इंस्टेंटली नेक्स्ट थिंग आई नो ही गेव मी अ फिल्म कॉल्ड हसमुख पिघल गया, 2013 में। वो उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी, तो फिल्म बनी, म्यूजिक वो एंटायर एल्बम मैंने किया, बट तो उन्होंने मुझे राजकुमार हिरानी जी से मिलवाया। वाह हाँ, वहां पे फिर उनके साथ बैठे राजू सर के साथ, और उन्होंने पूरा एक नरेट किया कि व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर या क्या, क्योंकि ही इज वेरी पर्टिकुलर विद हिज म्यूजिक, वो म्यूजिक को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। तो आई रिमेम्बर हम लोग स्टूडियो के बाहर थे एंड रणबीर एंड राजू सर एंड एवरीथिंग, एंड आई जस्ट सेड कि यू नो गिव मी 5 मिनट्स, आई जस्ट वेंट डाउन, और फिर मैंने उनको पहला मुखड़ा सुना दिया था, बाबा बोलता है कि देखिए ये हम लोग कुछ वाह ऐसा कर सकते हैं, तो ये लाइक दैट आइडिया, देन आई वेंट बैक, आई प्रोड्यूस्ड माय ट्रैक एंड आई सेंट इट टू हिम। क्या आप विजय देवरकोंडा से मिल लिए हैं? नहीं, विजय से आई हैवंट मेट तो कुछ मेरे थोड़े से बोल्ड सवाल होंगे, है ना? हो सकता है जी आपके लिए बोल्ड ना भी हो, पर हो भी सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप एक गाने के लिए कितना चार्ज करते हैं? एक गाने के लिए कितना चार्ज करता हूँ, अप्रोक्स, जितने में अच्छे से मैं खा पी लूँ रह लूँ। क्योंकि आप आते हैं प्रयागराज से, इलाहाबाद से। जी सो रंगदारी जी कभी देखी है? रंगदारी होते हुए देखी है? कभी की है रंगदारी? देखी भी है, करी भी है, पूरा जिया है, तभी तो गाने ऐसे बन पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बन पाते। तो थोड़ी सी रंगदारी कैसे होती है, जरा थोड़ा सा प्रयागराज वाली, क्योंकि हम गोरखपुर में रहते हैं। सो मैं गोरखपुर से हूँ, हाँ, तो अरे वहां थोड़ी सी वाह, अलग तरह की होती है। प्रयागराज की रंगदारी अरे वाह, कैसी अब है? इलाहाबाद की रंगदारी कैसी होती है? वो यार, वो वैसी सिचुएशन में हूं तो मैं बताऊं कि अभी वो अब कैसे आप इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में है, थोड़ी बहुत एक्टिंग आती होगी। सोच लीजिए आपके सामने एक बढ़िया सा आपके फ्रेंड को किसी ने चाटा मार दिया है, अब आपको उसे एकदम समझाना है, तो कैसे समझाएंगे एकदम पूरा? समझाएगा कौन, और पटक के पीट देंगे, और क्या है वो, फिर समझाना समझाना नहीं, दोस्त को मारेगा तो फिर तो मार खाएगा, वो गाना भी है ना, फिर ना मैं समझाएगा मार अच्छा, खाएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप इलाहाबाद में जब रहे, प्रयागराज में रहे स्टार्टिंग में, तो कहाँ एक होता ना एक अड्डा बना होता है हमारा, वहां पे तो सबका अड्डा एक ही है, सिविल सिविल लाइंस। लाइंस, मतलब अच्छा, हम लोग पहला से नंबर भी ब्रेकअप पूछते थे, कैसे हम हुआ लोग था यही आपका? बोलते थे। पहला ब्रेकअप कैसे हुआ था, पहला ब्रेकअप ऐसे हुआ था कि लड़की ने बोला म्यूजिक छोड़ दो, म्यूजिक लो, म्यूजिक को चुन लो या हमें चुन लो, ओ कोई या जॉब वॉब करो, तो हमने कहा हम म्यूजिक को निकल चुनते हैं। हाँ, राम राम, लो। ऐसे ही हुआ था। ये अच्छा था। तो मैं ये भी चाहूंगा, मैंने सुना है कि म्यूजिक कंपोजर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, क्योंकि पहले वो धुन खुद गाते हाँ हैं, गुनगुनाते हैं। तो कोई एक गाना, आप ही का बनाया हुआ गाना, कोई आप यहाँ गाना चाहे, मैं सुनना चाहता हूँ एक्चुअली। तो 2 लाइन हो जाए, 4 लाइन हो जाए, आपका मन करे पूरा गाना भी गा सकते हैं, तो हो जाए। पागल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पना है मांगे, कर डाले तू जो फैसला, रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। तो जब आप स्टूडियो में होते हैं भाई, और भाभी फोन करती हैं कहीं आना जाना है और आपका मन नहीं है, तो क्या झूठ बोलते हैं उन्हें, क्या बहाना बनाते हैं? नहीं, वो बोलती ही नहीं मुझे, अभी 12 साल हो गए, अभी तो समझ, वो समझ गई कि कोई होप नहीं है इसके साथ, तो बोल कोई मतलब नहीं कभी ऐसा हुआ है जब आप म्यूजिक कंपोजर बन गए, म्यूजिक इतना प्रोड्यूस कर दिया, तो कभी कोई दोस्त का फोन आया हो किसी का कि भाई मेरी शादी होने वाली, एक म्यूजिक बना देगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं आया, ऐसा नहीं आया।